आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर नाउन के बारे में बात करेंगे, जो कंपटीशन तक आने वाले सभी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लें। तो आइए हम देखते हैं आज नाउन चैप्टर के उन टॉपिक को जहां से कंपटीशन लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी है, नाउन नाउन का मतलब होता है संज्ञा, जिसको हम परिभाषित कर सकते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, या कह सकते हैं एवरी नेमिंग वर्ड इज अ नाउन। तो देखिए, सबसे पहला हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वो पहला हमारा है काइंड्स ऑफ नाउन। देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, बात करते हैं काइंड्स के बारे में। जो नाउन हमारा होता है इंग्लिश में वो पांच प्रकार का होता है। जो पहला होता है हमारा प्रॉपर नाउन, सेकेंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर मटेरियल नाउन, एंड लास्ट फिफ्थ अवस्टेक नाउन। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, जो हमारा नाउन होता है वो पांच प्रकार का होता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड अवस्टेक नाउन। अब हम बात करेंगे इस काइंड्स ऑफ नाउन से कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन मीन्स होता है समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन मीन्स होता है द्रव्य पदार्थवाचक संज्ञा, अवस्टेक नाउन मीन्स होता है भाववाचक संज्ञा। तो हमारा जो पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था काइंड्स ऑफ नाउन, इसके बारे में हमने जाना ये पांच प्रकार का होता है। अब ध्यान देंगे, जो हमारा ये पांच प्रकार का नाउन होता है इनको हम दो भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। पहला जो होता है वो काउंटेबल होता है, पहला जो होता है काउंटेबल होता है, दूसरा जो होता है अनकाउंटेबल होता है। दोस्तों पहला जो हमारा था वो काउंटेबल नाउन होता है, दूसरा जो होता है अनकाउंटेबल। हम देखते हैं जो हमारा पांच प्रकार का नाउन है इसमें कौन से काउंटेबल है और कौन से अनकाउंटेबल है। तो बहुत ही आसानी तरीके से देखेंगे, जो हमारा कॉमन होता है और जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो हमेशा हमारे कौन से नाउन होते हैं? काउंटेबल नाउन होते हैं। बाकी जो हमारा मटेरियल नाउन होता है और अवस्टेक नाउन होते हैं वो हमेशा हमारे क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। बाकी जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है इसको हम ना ही काउंटेबल में रखते हैं ना ही अनकाउंटेबल, या तो काउंटेबल में भी रख सकते हैं अनकाउंटेबल में भी रख सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम कहते हैं ए पार्टिकुलर पर्सन और थिंग्स। इसकी परिभाषा क्या होती है? पार्टिकुलर पर्सन और थिंग्स, ये विशेष व्यक्ति वस्तु की बात करता है। तो विशेष व्यक्ति कोई एक ही हो सकता है, एक से अधिक नहीं हो सकता है, इसलिए इसको गिनने की जरूरत नहीं होती है। ताजमहल प्रॉपर नाउन, गिनने की जरूरत नहीं है। सूर्य प्रॉपर नाउन, गिनने की जरूरत नहीं है। लाल किला प्रॉपर नाउन। तो दोस्तों इसको हम प्रॉपर नाउन को काउंटेबल में रखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनकाउंटेबल में रखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान देंगे, जो हमारा काउंटेबल नाउन होता है हमारा कॉमन और कलेक्टिव होता है, और जो हमारा अनकाउंटेबल होता है वो हमारा मटेरियल और अवस्टेक नाउन होता है। तो इसी पे, इस टॉपिक पे हमारा सबसे पहला रूल क्या होता है जहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, पहला रूल क्या कहता है? अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम समझाते हैं, जैसे अ मिल्क प्रोवाइड्स अस प्रोटीन। अब ध्यान दीजिए, जो हमारा मिल्क होता है फ्रेंड वो हमारा मटेरियल नाउन होता है, और इसके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग कभी नहीं करते हैं, इसलिए इस सेंटेंस में हमारा ए गलत। हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल में दोस्तों, देखेंगे अ गोल्ड इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। जैसा कि हम बताएं आपको पहले एग्जाम्पल के तौर पर कि हमारा जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें भी ध्यान देंगे, जो गोल्ड हमारा होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, मटेरियल नाउन होते हैं, इनके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए सेंटेंस में ए का यूज नहीं होगा। अब सेकंड रूल देखेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल पे,
दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान देंगे जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके बाद हमेशा हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। फॉर एग्जाम्पल में हम देखेंगे ऑनेस्टी आर ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी। अब ध्यान देंगे दोस्तों ऑनेस्टी जो हमारा होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन के बाद हमेशा जो वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए आर गलत है। बहुत सारे एग्जाम में आ जाता है हमेशा अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन, या कह सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन के बाद प्लूरल वर्ब का यूज होता है, और सेंटेंस में पूछ लेता है एरर कहाँ है, तो हम ध्यान देंगे हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ना कि प्लूरल वर्ब का। जैसा कि हमने आपको बताया दोस्तों, पहला रूल का अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, और दूसरा रूल हमारा क्या है दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो जैसा हमारा पहला टॉपिक था दोस्तों काइंड्स ऑफ नाउन, हमने बताया आपको नाउन पांच प्रकार के होते हैं, इनको दो भागों में बांटा है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। हम ध्यान देंगे काउंटेबल जो होता है वो हमारा कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन होता है दोस्तों, बाकी हमारा जो अनकाउंटेबल नाउन होता है मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जिनपे दो रूल हम आपको आसानी से बताए हैं, और इस रूल से आने वाले क्वेश्चन हमको पूरा विश्वास है कि आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। पहला रूल था हमारा कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों, और दूसरा रूल क्या है, अनकाउंटेबल नाउन के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों नाउन के सेकेंड टॉपिक पे, जो बेहद ही आसान है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और बहुत सारे एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछ। हमारा दूसरा पॉइंट जो है दोस्तों, दूसरा टॉपिक हमारा है नाउन और नंबर। हम ध्यान देंगे हमारा पहले टॉपिक में काइंड्स ऑफ नाउन जो आसानी से समझे हैं, दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो हमारा है नाउन एंड नंबर। अब ध्यान देंगे दोस्तों नाउन के चैप्टर में नंबर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान देंगे नंबर का मतलब होता है यहाँ वचन, नंबर का मतलब होता है वचन। अब बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, जो हमारा वचन होता है इंग्लिश में तो दो प्रकार का होता है, पहला जो होता है सिंगुलर नंबर होता है, जो सेकंड होता है वो प्लूरल नंबर होता है। अब ध्यान देंगे दोस्तों सिंगुलर नंबर का मतलब होता है एक वचन, और प्लूरल नंबर का मतलब होता है बहुवचन। अब ध्यान देंगे बहुत ही आसान तरीके से आपको हम बताएंगे कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, और कौन से ऐसे नाउन है जिनका हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, आसानी से समझेंगे। हमारा टॉपिक है नंबर, देखेंगे नंबर जो होता है वो दो प्रकार का होता है, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। अब हम ध्यान देंगे आपको जो पहले आपको टॉपिक मैंने बताया काइंड्स ऑफ नाउन में, इनके दो भाग हमने बताए काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो दोस्तों आपको यही क्लियर कर देते हैं, जो हमारा काउंटेबल होता है उन्हीं का हम सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं। जो हमारा दोस्तों काउंटेबल होता है उसी को हम सिंगुलर बनाएंगे, उसी को ना गिनेंगे, बाकी जो हमारा अनकाउंटेबल होता है उसका हम ना ही प्लूरल और ना ही सिंगुलर बनाते हैं। ध्यान देंगे जो हमारा काउंटेबल होता है उसी का हम सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं। अब देखिएगा काउंटेबल नाउन में कौन कौन से नाउन आते हैं, आपको मैंने बताया था कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। अब ध्यान देंगे दोस्तों कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन का ही सिंगुलर से प्लूरल होता है, जबकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है केवल कॉमन नाउन का ही हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। कल आपको बताए हैं जो काउंटेबल नाउन होता है उसी का ही हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, बाकी अनकाउंटेबल नाउन का कोई प्लूरल नहीं हो सकता, क्योंकि कह सकते हैं आप जिसको हम गिन ना सके उसका प्लूरल क्या। सिंपली अब देखेंगे हमारा काउंटेबल में भी दो नाउन आते थे, वो भी कॉमन और कलेक्टिव, जिसमें ही से हम केवल कॉमन नाउन का ही बहुवचन बनाते हैं, बाकी जो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है उसको हम कंडीशन के अनुसार बनाते हैं, बस उसके लिए अलग रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ हम ध्यान देंगे काउंटेबल नाउन का में जो हमारा कॉमन नाउन है ज्यादातर उसी का सिंगुलर से प्लूरल होता है। तो सबसे पहला इसका रूल दोस्तों होता है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, नाउन के साथ यस जोड़ देते हैं। सिंपली पहला रूल क्या होता है दोस्तों, नाउन के साथ हम यस जोड़ देंगे तो हमारा नाउन सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल में पेन है, यस जोड़ दिए पेन्स,
बुक है, यस जोड़ दिए दोस्तों, बुक्स। हमारा पहला रूल क्या कहता है, नाउन में यदि हम यस जोड़ देते हैं तो वह सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो हमारा सेकंड रूल जो होता है नंबर का, वो होता है नाउन के साथ यस जोड़ना। जैसा कि मैंने बताया आपको, नाउन में यस जोड़ देते हैं वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है। सेकेंड रूल जो होता है दोस्तों, नाउन के साथ यस जोड़ना, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है दोस्तों। कहाँ हम यस जोड़ेंगे, अब ध्यान देंगे, ओ यक्स सी एच यस डबल एस या जेड, जिस नाउन का लास्ट वर्ड, लास्ट लेटर, जिस नाउन का लास्ट लेटर ओ हो, यक्स हो, सी एच हो, यस एच हो, डबल हो, डबल एस हो या जेड हो, उसका हम जब प्लूरल बनाएंगे तो दोस्तों क्या जोड़ेंगे, ई एक्स। फॉर एग्जाम्पल में जैसे देख लेते हैं, मैंगो, मैंगोज, या देखते हैं बॉक्स, बॉक्सेज। दोस्तों हम ध्यान देंगे, नाउन में ई एस जोड़ देंगे तो वह प्लूरल हो जाएगा। कंडीशन है लास्ट में ओ आना चाहिए, यक्स आना चाहिए, सी एच आना चाहिए, यस एच आना चाहिए, डबल एस आना चाहिए या जेड आना चाहिए। इसमें एक पॉइंट है, जो एक्सेप्शन है उन्हीं से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उस पर ज्यादा हम फोकस करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कुछ नाउन ऐसे हैं दोस्तों जिनके लास्ट में ओ भी आ सकता है, एक्स भी आ सकता है, सी एच, एस एच, डबल एस या जेड आते हैं, लेकिन उनमें हम ई एस ना जोड़ के यस जोड़ के बहुवचन बनाते हैं, तो उनको हम हमेशा याद रखेंगे ताकि हम कंफ्यूज ना हो। जैसे ऑक्स, फ्रेंड्स ऑक्स में हम ई एस नहीं जोड़ते हैं, इसका ऑलरेडी प्लूरल होता है ऑक्सेन। जैसे होता है फोटो, फोटोज, यस ना जोड़ के हम यस जोड़ते हैं। जैसे सोलो, सोलोज, डायनमो, डायनमोज, वीडियो, वीडियोज। दोस्तों तो कुछ एक्सेप्शन है जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, उनका ऑलरेडी बहुवचन बना हुआ है, तो उसको हम ज्यादातर ध्यान देंगे ऐसे सेशन का। और पेपर में ऐसे ही ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं और आपको रूल पता होता है, ओ एक्स सी एच एस एच डबल एस जेड आवे तो ई एस जोड़ेंगे, बट हम एक्सेप्शन को भूल जाते हैं तो ये हमारा क्वेश्चन मिस्टेक हो जाता है। हमेशा हम ध्यान देंगे ऐसे एक्सेप्शन जहां भी आए उनका बहुवचन बनाने के लिए दोस्तों हम यस जोड़ते हैं, और हमेशा हमको याद होना चाहिए। आइए देखते हैं हमारा तीसरा रूल क्या कहता है दोस्तों, ध्यान देंगे। पहला रूल था नाउन में यस जोड़ना, सेकंड हमारा ई एस है, थर्ड हमारा रूल क्या है दोस्तों, नाउन का लास्ट जो वर्ड लेटर होता है वाई हो और उसके पहले कोई वावेल हो। ध्यान देंगे, नाउन का जो लास्ट लेटर होता है वाई हो और उसके पहले वावेल हो, तो इसका प्लूरल बनाते समय वाई के साथ एस ऐड कर देते हैं। ध्यान देंगे, तीसरा रूल बहुत ध्यान से समझेंगे, नाउन का जो लास्ट लेटर होता है वाई हो और उसके पहले वावेल, वावेल ए आई ओ यू ई, इनमें से कोई एक हो, उसका वचन बनाते समय हम वाई के साथ एस को ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल में कह सकते हैं दोस्तों, की का प्लूरल क्या होगा, कीज। वाई है, उसके पहले ई आया है वावेल, इसका वचन बनाए हैं तो क्या हो दोस्तों, क्या कीज। जैसे बॉय, क्या बॉयज। रोल नंबर थ्री का है, पहला है, रोल नंबर थ्री में एक और है जिसमें हम ध्यान देंगे, यदि किसी नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो हम क्या करते हैं, वाई को रिमूव कर देते हैं, वाई को हटाकर आई ई एस ऐड कर देते हैं। वाई को हटा कर दोस्तों क्या ऐड कर देते हैं, आई ई एस ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे सिटी। अब ध्यान देंगे दोस्तों, इस रूल में क्या है, यदि किसी नाउन का लास्ट लेटर वाई है उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है, तो इसका प्लूरल बनाते समय हम वाई को हटाकर आई ई एस ऐड कर देते हैं। जैसे कंट्री, ध्यान देंगे दोस्तों, कंट्री का लास्ट लेटर वाई है, उसके पहले कॉन्सोनेंट है, इसका प्लूरल बनाते हैं तो वाई को हटा कर दोस्तों हम क्या ऐड कर देते हैं, आई ई एस। अगला रूल नंबर फोर,
इसमें क्या कहते हैं, जिस नाउन के लास्ट में यफ और यफी हो, क्या हो, लास्ट का लेटर हो यफ या यफी, यदि किसी नाउन के लास्ट में यफ और यफी आता हो, इसका प्लूरल बनाते समय यफ और यफी को रिमूव कर देते हैं, वी एस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, वी एस। यदि किसी नाउन के लास्ट में यफ और यफी आता है तो इसका प्लूरल बनाते समय हम यफ और यफी को रिमूव करके वी एस जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल में जैसे हम देखते हैं नाइफ, देखिए दोस्तों नाइफ का जब प्लूरल बनाएंगे तो हम यफ और यफी को रिमूव करके वी एस जोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल में देखिएगा वाइफ, क्या हो जाएगा, वाइफ। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम ध्यान देंगे कि जिस नाउन के लास्ट में यफ और यफी आता है तो यफ और यफी को हटाकर हम वी एस ऐड कर देते हैं। ध्यान देंगे नाइफ में यफी है, वाइफ में यफी है, उसको हटाकर हम प्लूरल बनाते समय वी एस ऐड कर दिए। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं दोस्तों जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं और क्वेश्चन में आ जाते हैं, जिससे हम थोड़ा मिस्टेक कर बैठते हैं। तो हम ध्यान देंगे क्लिफ, दोस्तों क्लिफ एक ऐसा वर्ड है जो लास्ट में यफ आया है, इसका जब प्लूरल हम बनाएंगे तो यफ को रिमूव नहीं करेंगे बल्कि इसमें हम यस जोड़कर इसका प्लूरल बना देंगे, इस इसको हम ध्यान देंगे। फॉर एग्जाम्पल में एक और है रूफ, ध्यान देंगे रूफ का भी हम प्लूरल बनाते समय यस ऐड करते हैं और यफ को रिमूव नहीं करते हैं। अगला देखिएगा जैसे गल्फ, यस ऐड कर देंगे। ठीक दोस्तों, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल ऑलरेडी बना हुआ है, उसको हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते नहीं है जबकि याद कर लेते हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछता है तो हम कंफ्यूज ना हो। तो देखते हैं कुछ ऐसे नाउन है जिनका वावेल चेंज हो जाता है और वो प्लूरल हो जाते हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे दोस्तों है मैन, इसका प्लूरल क्या होता है, मेन, वुमन, वुमेन, टूथ, टिथ, फुट, फीट, माउस, माइस। देखिए दोस्तों माइस जो हमारा है उत्तर प्रदेश स्टेट में 2 बार आ चुका है, ध्यान देंगे लाउस, लाइस। दोस्तों तो हमारे कुछ ऐसे प्लूरल नाउन हैं जिनका ऑलरेडी प्लूरल बन चुका है, इसको हम अपनी तरफ से प्लूरल नहीं बनाते हैं। जैसे गूज, गीज, इनका वावेल चेंजिंग से इनका प्लूरल बन जाता है। अब ध्यान देंगे दोस्तों हमारे नंबर चैप्टर का लास्ट पॉइंट क्या है उस पर हम ध्यान देंगे। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनमें आर्टिकल द लगा देने से वह हमेशा किसमें बन जाता है, प्लूरल कॉमन नाउन में हो जाता है। इसके बारे में हम ध्यान देंगे दोस्तों, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनमें आर्टिकल द लगा देने से वह प्लूरल कॉमन नाउन हो जाता है। तो ध्यान देंगे जैसे हमारा क्या है, पुअर एडजेक्टिव है, पुअर मीन्स क्या होता है दोस्तों, गरीब। लेकिन इसमें अगर द पुअर में द ऐड कर देते हैं तो इसका मतलब होता है गरीब लोग। जैसे रिच, द रिच, ऑनेस्ट, डी ऑनेस्ट, सिख, द सिख। तो हम ध्यान देंगे दोस्तों कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनमें आर्टिकल द लगा देने से यह हमेशा प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। देखिएगा पुअर, द पुअर, रिच, द रिच, ऑनेस्ट, दी ऑनेस्ट, सिख और द सिख। ध्यान देंगे पुअर एडजेक्टिव है जिसका मतलब गरीब होता है, लेकिन पुअर के पहले द लगा देने से यह प्लूरल कॉमन नाउन हो जाता है जिसका मतलब होता है गरीब लोग। रिच का मतलब धनी होता है लेकिन द रिच का मतलब धनी लोग। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार लेकिन दी ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार लोग। सिख का मतलब बीमार लेकिन द सिख मतलब बीमार लोग। ऐसे एक और है दोस्तों ब्लाइंड, ब्लाइंड मीन्स होता है अंधा लेकिन दी ब्लाइंड मीन्स होता है दोस्तों अंधे लोग।
तो ध्यान देंगे दोस्तों, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनमें आर्टिकल द लगा देने से वह प्लुरल कॉमन नाउन बन जाते हैं। अब इसमें ध्यान देंगे एक छोटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल क्या हो जाता है कि इन एडजेक्टिव में कभी भी यस लगाकर इनका प्लुरल नहीं बनता है। अब ध्यान देंगे इन सभी एडजेक्टिव का यदि प्लुरल बनाना हो तो यस लगाकर प्लुरल नहीं बनता है। और हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ देता है, ध्यान दीजिएगा, वी शुड ऑलवेज हेल्प द पुअर्स। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वी शुड ऑलवेज हेल्प द पुअर्स, हम लोगों को हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो ध्यान देंगे दोस्तों, हमने आपको बता दिया है कि पुअर जो होता है एडजेक्टिव होता है उसके पहले द लगने से वह प्लुरल कॉमन नाउन हो जाता है, लेकिन इन शब्दों में कभी यस और यस ऐड नहीं होता है। इस वीडियो में मैंने आप लोग को नाउन के बारे में बताया, काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में बताया, नाउन एंड नंबर के बारे में बताया, जो काफ़ी आसान तरीके से बताया, और एग्जाम में इन टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगला दो टॉपिक नाउन एंड केस, नाउन एंड जेंडर, अगले वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे